यहाँ पे लिख रहा है, ये जो एरर बना हुआ ना एरो, इसको टैप करने बोला है। ये देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है ना, इसको टच कीजिएगा, वेलकम आया। ये आ गया आपका कोटन, ठीक है। कोटन में आ जाने के बाद इसको चारों तरफ घुमाना है, ठीक है। कॉटन कपड़ा है, क्विक वॉश, कम टाइमिंग में, कम गंदा कपड़ा, 15 मिनट में आप धो सकते हैं। सुपर स्पीडी इलास्टिक वाला कपड़ा है, आप इसमें धो सकते हैं। सुपर इको वॉश थोड़ा अच्छा क्लीन करेगा। ये कॉटन कपड़ा है तो उसको भी आप धो सकते हैं। सिंथेटिक्स कपड़ा, डेलिकेट पार्टी वेयर कपड़ा, काम किया हुआ रहता है उसको डेलिकेट में धोइएगा, ठीक है। टॉवल्स वगैरह है तो टॉवल्स वगैरह भी आप धो सकते हैं। ये बेडिंग हो गया, बेडशीट चादर वगैरह। शर्ट है आपका, शर्ट भी धो सकते हैं। हाइजीन स्टीम कपड़ा है, उसको भी आप धो सकते हैं। वुलन, ठंड का मौसम का जितना भी वुलन कपड़ा है उसको आप धो सकते हैं। हेलो, आउटडोर घर का पर्दा वगैरह, एक्टिव वियर हो गया ये। एक्टिव वियर में क्या है? कम टाइमिंग लेगा, ठीक है। किस टाइप के कपड़े सर? हैं? किस टाइप के कपड़े सर? थोड़ा मतलब आप जैसे कि हाथ से रगड़ लिए उसको डाल के। कलर्स का कपड़ा हो गया, ठीक है। तो कलर्स में तो आपका जो भी रहे, कॉटन है, सिंथेटिक, तो कलर्स तो रहता ही है। फिर कलर्स का अलग से क्या मतलब हुआ? जो लगता है कि छूटेगा वैसे। जीन्स वगैरह, ठीक है। बेबी केयर बच्चों लोगों का कपड़ा, साइलेंट वॉश थोड़ा साइलेंट चलेगा। क्लूडी डे पर डे जो कपड़ा, रिंस स्पिन बाहर से धोया हुआ कपड़ा को फंगाना सुखाना चाहते हैं। ये ड्रेन स्पिन अगर बाहर से धो लिए हैं खाली सुखाना चाहते हैं। ड्रम क्लीन, इसको हर 25 वॉश के बाद एक बार खाली में चलाना है। क्या करना है इसको? 25 बार अगर आप कपड़ा धो लिए हैं हाँ? तो एक बार खाली में चलाना है, ऑटो पानी लेगा, ड्रम के अंदर जो भी गंदगी होगा वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा, वो खुद ब खुद अंदर का रहेगा, वो क्लीन करेगा। क्लीन कर देगा, ठीक है। फिर से कॉटन में आ गए, ठीक है, ठीक है। ये होट वगैरह, रिंस वगैरह सब अपने आप लेता है, आपको मैनुअल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इतना करने के बाद आपको लास्ट में, जैसे आप क्विक वॉश में गए, इसको थोड़ा देर टच कर करके रखिएगा, तभी आपका ये स्टार्ट होगा। इसको इधर ना, हाँ, ये स्टार्ट जो पाउच। अच्छा, अभी हल्का सा टच कर देंगे तो। टच करके थोड़ा देर रखिएगा तब स्टार्ट होगा। अच्छा, हम दो कपड़ा ऐसे डाल देते हैं। डाल दीजिए, डालिए, देखिए कपड़ा डालिए, और डाल दीजिए, तो डिटर्जेंट डालिएगा या लिक्विड डालिए? लिक्विड डाल देते हैं, क्या डालना चाहिए? लिक्विड डालिए, लिक्विड डालना बेस्ट रहता है। यहाँ पे पुश करने का दिया है, ठीक है। नीचे में यहाँ पे पुश करने का, इसको पुश करना है तब ये खुलेगा, ठीक है। इतना बंद है, हाँ, यहाँ पे पुश कीजिएगा, बात कीजिएगा, ठीक है। देखिए सरफ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे शॉर्पनर लिखा हुआ, ऑटो शॉर्पनर, यहाँ पे देखिए लिक्विड लिखा हुआ है, ठीक है। लिक्विड हमको डालना है, अगर ऐसे खोलेंगे लिक्विड वो अपने अनुसार लेगा या इसमें क्वांटिटी डालना? अंदाज से आपको डालना है, हमें जितना क्लॉथ हम डालें उसके अनुसार डालना है, हाँ। ठीक है, अंदाज से ही डालना है। इसमें क्या डलाएगा? इसमें शॉर्पनर वगैरह, खुशबू वाला, अच्छा अच्छा, कंफर्ट वगैरह, और कंफर्ट वगैरह डालते हैं। तो कंफर्ट किस में डालना होगा? वो तो बाद में डला रहता है, कंफर्ट साथ में डाल देना होगा क्या? हाँ, साथ में, लास्ट में ऑटो ले लेगा। अच्छा, वो ले लेगा, लेकिन अभी क्विक चला तो क्विक में साफ हो जाएगा। हाँ, होगा, फोट। अच्छा, डाल देंगे इसमें। अच्छा, देखिए ये क्विक लिया ना, इसमें टेम्परेचर नहीं ले रहा है, हाँ। कुछ भी, अभी इसमें टेम्परेचर यहाँ से टच करके डाल देते हैं, 20 डिग्री ले लिया। अच्छा, वो 20 डिग्री कैसे लेकर, क्लॉथ के अनुसार लिया वो या नहीं? क्विक में आपका टेम्परेचर नहीं लेता, हॉट नहीं लेता है। अच्छा, हम इसमें मैनुअली डाल दिए। अच्छा, ठीक है, अब ये है स्टार्ट,
ठीक है, इसको थोड़ा देर टच करके रखेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा, ये डोर लॉक हो गया, स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे डोर लॉक का इंडिकेट कर रहा है, तो मशीन चालू हो गया। ठीक है, अब जैसे कि ऊपर से आपको कपड़ा अगर डालना है, अगर कुछ कपड़ा है उसको पहले पुश कर देंगे, उसके बाद इसको पुश करके खोलेंगे और जो कपड़ा है वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे बंद करेंगे, उसके बाद फिर टच कर देंगे। टच कर आपको वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको स्मार्ट थिंग्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए ये डाउनलोड है पहले से में, ये स्कैन बार कोड है। चलिए इसके से स्कैन करते हैं हम लोग। वॉशिंग मशीन में बार कोड दिया हुआ होगा, ये देखिए स्कैन कर लेते हैं। ये हो गया स्कैन, ऑटोमेटिक वो लेगा। अगर लाइट कट गया तो हाँ, फिर वहीं से फिर लेगा लाइन हाँ, आने पर। हाँ शुरू से ही मतलब शुरू से नहीं आएगा, जहाँ वहीं से आएगा। यहाँ नेट का इशू है, उसके वजह से बहुत लेट हो रहा है। ये देखो वाईफाई का मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ यहाँ वाईफाई नेट का बहुत इशू है, उसके वजह से नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में करके आपको वाईफाई सेटिंग बताऊंगा मैं।